गुड मॉर्निंग बच्चों। तरुण बच्चा आपकी टीपी नहीं चल रही। मेरी ऑडियो और विजुअल्स क्लियर है आप लोगों को? बच्चों ऑडियो और विजुअल्स क्लियर है? चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था साइंस फेयर और साइंस एग्जीबिशन के बारे में। हमने सबसे पहले बच्चे जो ये आपका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं देख लेता हूँ कि ये कैमरा कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। तो यहाँ से और यहाँ तक आई थिंक, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक है। हाँ वेरी गुड बच्चे, हमारा जो यूनिट है थर्ड यूनिट जो कि क्लासरूम ट्रांजैक्शंस एंड असेसमेंट है, इसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट अभी किया हुआ है। और उसमें चैप्टर फर्स्ट में केवल एक या दो टॉपिक बचा हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन या फिर साइंस फेयर इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअली में साइंस एग्जीबिशन होता क्या है। बच्चे भी ऑनलाइन कौन आया है आप बताएंगे? मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस के फील्ड। अच्छा हाँ ठीक है बेटा। अच्छा वीडियो क्लियर है? वीडियो ऑडियो तो क्लियर है, वीडियो बेटा वीडियो बताइए आप लोग। जो चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ आप लोग अच्छे तरीके से देख पा रहे हो? अच्छा वीडियो सही नहीं दिख रही। अच्छा ऑडियो क्लियर है ना बच्चे? कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। और अगर ऑडियो क्लियर है तो कोई बात नहीं, आप लोग को रिलेट कर सकते हैं कि मैं क्या एक्चुअली में पढ़ाना चाहता हूँ। तो चलिए बच्चे आज की जो टॉपिक है हमारा वो है साइंस टूर या फिर फील्ड ट्रिप। साइंस टूर या फिर फील्ड ट्रिप्स। बच्चों ये जो साइंस ट्रिप है या फिर फील्ड ये सॉरी साइंस टूर या फिर फील्ड ट्रिप की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली हम टूर्स किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी तरीके से घूमने चले जाएं, मतलब हमें कुछ भी करेंगे हम वो साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं कि साइंस टूर क्या होता है, तो बेसिकली साइंस टूर एक ऐसा टूर है जो कि साइंस से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए या उसे समझने के लिए। तरुण बच्चे ये यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में चैप्टर फर्स्ट है। जो यूनिट थर्ड है उसका नाम है क्लासरूम ट्रांजिशन एंड असेसमेंट्स। इसमें जो बच्चे चैप्टर फर्स्ट है वो है आपका वेज ऑफ इंक्वायरी, क्या क्या तरीके हो सकते हैं साइंस में हम इंक्वायरी किस तरीके से कर सकते हैं, इस टॉपिक पर है। चैप्टर फर्स्ट है यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड में जैसे कि थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, सबसे पहले हमने साइंस म्यूजियम के बारे में डिस्कस किया था। साइंस म्यूजियम के बाद हमने जो है साइंस एग्जीबिशन या फिर साइंस फेयर के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है?
साइंस म्यूजियम कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं साइंस म्यूजियम को इस्टेब्लिश करने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज उसी सिलसिले में आज हमें पढ़ना है साइंस ट्रिप के बारे में या फिर साइंस टूर के बारे में। तो बेसिकली इन साइंस टूर या फिर साइंस ट्रिप में हमें इसके डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसमें एडवांटेज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे समझ लेते हैं कि साइंस टूर होता क्या है। टूर आप लोगों को पता है, जस्ट लाइक अ पिकनिक, कहते हैं ना पिकनिक मनाने जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं। टूर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखने जाना। क्लियर है? तो सेम ऐसे ही यहाँ पे वर्ड आगे जुड़ा हुआ है साइंस, तो साइंस टूर का मतलब हो जाएगा जब कोई भी स्टूडेंट या जब कोई भी पर्सन किसी साइंस से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए जाता है किसी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, तब हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे बच्चे, साइंस टूर या फिर साइंस फील्ड ट्रिप। अब अगर हम बात करें बच्चे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, साइंस टूर क्यों करवाया जाता है, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइंस टूर, तो बच्चे जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारा साइंस टूर से, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। अगर हम किसी बच्चे को साइंस टूर पे ले जाएं और वहाँ पे साइंस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की चीज़ों को दिखाएं, तो बच्चे के अंदर साइंस के तरफ अट्रैक्शन होगा, यानी वो उसके अंदर जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड होगा वो डेवलप होगा। वो ये सोचेगा कि हाँ, अगर बाकी लोग, बाकी के साइंटिस्टों ने कुछ चीज़ें कर ली हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब वो कहीं ना कहीं साइंस की तरफ मोटिवेट होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों के अंदर एनकरेजमेंट प्रोड्यूस करना टूवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही हो जाएगा बच्चे, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चे? अच्छा, सेकंड, साइंस टूर में जो बच्चे ने अभी तक बुक में पढ़ा हुआ है, बुक में पढ़ाई की है, उसी चीज़ को वो डायरेक्टली लाइव देख पाता है। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि बच्चे को पढ़ाया जाता है, छोटा सा टॉपिक है कि बच्चे को पढ़ाया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है। अब बच्चे ने स्केलेटन तो देखा नहीं है, लेकिन जब हम बच्चे को किसी भी साइंस के प्रिंसिपल से रिलेटेड या साइंस की चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को दिखाने के लिए लेके जाते हैं, तब वहाँ पे अगर वो स्केलेटन होगा तो हम दिखा सकते हैं कि हाँ बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके के स्केलेटन मौजूद होते हैं। क्लियर है? तो किसी भी साइंटिफिक टर्म का, किसी भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का, किसी भी साइंटिफिक वर्ड का लाइव जो है ब्रॉडकास्ट साइंस टूर की हेल्प से हो जाता है। तो दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को वो लाइव देख पाते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हम ये लिख सकते हैं, लाइव स्टडी ऑफ साइंटिफिक टूल्स, लाइव स्टडी ऑफ साइंटिफिक टूल्स। ठीक है बच्चे, अगर मैं थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, फील्ड टूर या साइंस फील्ड टूर करने से बच्चों के अंदर, बच्चे जो घूमने की एबिलिटी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, हो सकता है बिफोर साइंस टूर बच्चा एक जगह से दूसरी जगह घूमने, हालांकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको घूमना पसंद होता है, बट इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर हम साइंस टूर को ऑर्गेनाइज करते हैं या साइंस फील्ड ट्रिप को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बच्चों के अंदर वो घूमने की वाली जो प्रवृत्ति है या घूमने वाली जो एबिलिटी है, उसका भी क्या होगा,
डेवलपमेंट होगा। तो हम सेकंड ये लिख सकते हैं टू डेवलप माइग्रेटरी टेंडेंसी ऑफ द स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, थर्ड आपका क्या ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, टू डेवलप माइग्रेटरी टेंडेंसी। माइग्रेटरी टेंडेंसी मीन्स बच्चे घूमने की क्षमता। ठीक है, माइग्रेटरी टेंडेंसी। अगर मैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करूं, फील्ड ट्रिप से और हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं या क्या क्या और हमारे उद्देश्य होते हैं, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, फील्ड ट्रिप से हम मान लीजिए अगर किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, या फिर जो प्लांट्स है उसका ग्रीन कलर, उसके लीव्स का ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल होता है। अब सपोज़ दैट मान लीजिए बच्चे ने प्लांट्स देखा ही नहीं है, या कोई स्पेशल प्लांट्स है उसे उस बच्चे ने नहीं देखा। अगर हम उस प्लांट्स को दिखाने के लिए बच्चे को ट्रिप पर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा नेचर के साथ भी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चे, जो साइंस फील्ड या साइंस टूर है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो बच्चों को नेचर के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं क्या, टू प्रोवाइड द नेचर लर्निंग सिचुएशन। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखेंगे ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फील्ड ट्रिप्स के या साइंस टूर के। ठीक है बच्चों, एक और ऑब्जेक्टिव होता है, वो है क्या कि मान लीजिए साइंस टूर या फिर एग्जीबिशन की बात करें, तो साइंस टूर या एग्जीबिशन में कुछ नई चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड हैं, जो साइंस के फील्ड में नई चीज़ें हुई हैं, उसको भी शो किया जाता है, उसको भी एग्जिबिट किया जाता है। तो इस वर्ल्ड में साइंस के फील्ड में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, किन किन नए नए टेक्नोलॉजीज़ का इनोवेशन हुआ है, उसके बारे में भी बच्चे को पता चलता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, फिफ्थ आपका जो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड न्यू रिसर्चेज एंड नॉलेज। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, फिफ्थ हमारा ऑब्जेक्टिव यही हो जाएगा, टू प्रोवाइड न्यू रिसर्चेज और द नॉलेज। अच्छा, अब हम अगर बच्चे बात करें कि साइंस फील्ड जो है कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो अगर मैं साइंस टूर की बात करूं बच्चे, तो बेसिकली अगर मैं साइंस टूर की बात करूं, तो फर्स्ट इसका जो टाइप होता है वो होता है एलॉन एक्सक्रूजन। अच्छा बच्चे, ये एलॉन एक्सक्रूजन क्या होता है? जब कोई भी बच्चा अकेले किसी ट्रिप पर जाता है, तब उस चीज़ को हम बोलेंगे एलॉन एक्सक्रूजन। क्लियर है? सेकंड जो हमारा टॉपिक है बच्चे, सेकंड जो हमारा पार्ट होता है वो होता है ग्रुप एक्सक्रूजन। ध्यान रखेंगे, सेकंड है हमारा ग्रुप एक्सक्रूजन। अब ग्रुप एक्सक्रूजन का मतलब होता है बच्चे, जब साइंस टूर के लिए हम किसी ग्रुप को फॉर्म कर देते हैं और वो पूरा का पूरा ग्रुप ट्रिप पे चला जाता है, टूर पे चला जाता है, तब हम उस तरीके के ट्रिप को बोलते हैं ग्रुप एक्सक्रूजन। ठीक है, अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं, तो थर्ड बच्चे हमारा हो जाता है शॉर्ट टाइम एक्सक्रूजन। अब बच्चे शॉर्ट टाइम एक्सक्रूजन क्या है? जब स्टूडेंट्स ट्रिप पर जाते हैं लेकिन वो टाइम पीरियड जो उनका होता है काफ़ी कम होता है,
तब उस तरीके के एक्सक्लूशन को, उस तरीके के फील्ड्स को क्या हम बोलेंगे, शॉर्ट टाइम एक्सक्लूशन। क्लियर है बच्चे? मान लेते हैं शॉर्ट टाइम, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो साइंस में जो ट्रिप होती है शॉर्ट टाइम एक्सक्लूशन वाली, वो मान लीजिए कोई बच्चा किसी बिल्डिंग को देखने के लिए चला गया, साइंटिफिक बिल्डिंग को देखने के लिए चला गया, किसी रेलवे स्टेशन को देखने के लिए चला गया, या फिर किसी जहाँ पे आपका जो है फायर एक्सचेंज होता है वो चीज़ देखने चला गया। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक घंटे, दो घंटे या तीन घंटे के लिए अगर जब बच्चा ट्रिप पे जाता है साइंस के रिगार्डिंग या साइंस से रिलेटेड ट्रिप पे, तब हम उस चीज़ को बोलते हैं शॉर्ट टाइम एक्सक्लूशन ट्रिप। और बेटा फोर्थ जो हमारा होता है लॉन्ग टाइम एक्सक्लूशन। जब कोई भी स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स किसी साइंस ट्रिप पर लॉन्ग टाइम के लिए जाता है, तब हम उस चीज़ को हम बोलेंगे लॉन्ग टाइम एक्सक्लूशन ट्रिप। ठीक है बच्चे? अच्छा, इसमें कहाँ कहाँ बच्चे जा सकते हैं? इसमें हो सकता है कि वो फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं। ठीक है बच्चे? मान लीजिए किसी बच्चे को नासा जाना है। ठीक है, नासा क्या है? अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अब नासा हमारे इंडिया में तो है नहीं, नासा है अमेरिका में। और अमेरिका में जाने के लिए बच्चे को एक या दो दिन में तो वो आएगा नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 7 डेज टू 10 डेज चाहिए। तो ये एक तरीके का लॉन्ग ट्रिप हो गया। तो जब कोई भी स्टूडेंट या फिर ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स किसी भी साइंस ट्रिप पर लॉन्ग टाइम के लिए जाता है, तब हम उस तरीके के ट्रिप को क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम एक्सक्लूशन ट्रिप। ठीक है बच्चों? अब हम बात करें बच्चे, एक अलग टॉपिक है साइंस किट। साइंस किट, साइंस किट होता क्या है? अब जैसे कि अगर मैं बच्चे नॉर्मल बात करूं किट होती क्या है, तो किट का मतलब एक तरीके का पैकेट जिसके अंदर अपने जरूरी या ज़रूरत की सामान, ज़रूरत के सामान रखे जाते हैं। क्लियर? तो अब किट के आगे क्या यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, साइंस। तो बेसिकली साइंस क्या हो जाएगा, साइंस किट एक ऐसा किट है जिसके अंदर साइंस से रिलेटेड टूल्स को, साइंस से रिलेटेड चीज़ों को रखा जाता हो। मतलब एक तरीके का बैग है, एक तरीके का ऐसा किट है जिसमें कि साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम रख लेते हैं। ठीक है बच्चे? तो अब बात करें सॉरी, साइंस किट किस तरीके से है, मतलब इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसको डिज़ाइन किस तरीके से किया जाना चाहिए, मतलब साइंस के किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो। तो देखते हैं, हम बात कर लें डिज़ाइन ऑफ साइंस किट। बच्चे ध्यान रखेंगे साइंस किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहले चीज़ बच्चे साइंस के किट में होनी चाहिए वो है बच्चे एक बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर हम सामान को या जिसके अंदर हम टूल्स को रखेंगे। वो बॉक्स हो सकता है आयरन का, हो सकता है वुडन का, हो सकता है ग्लास का, हो सकता है यानी कांच का। तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए साइंस किट के अंदर, ए बॉक्स। क्लियर? सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए बच्चे, उस बॉक्स के अंदर बच्चे वो बॉक्स, अच्छा बॉक्स तो होनी चाहिए बट वो बॉक्स इस तरीके से होनी चाहिए कि उसे हम आसानी से हैंडल कर सकें। ऐसा नहीं है कि एक बॉक्स है वो हमेशा एक ही जगह स्टेशनरी पोजीशन पे है। अगर वो आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता, मतलब आसानी से उसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो वो किट हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। ठीक है,
किट का मतलब ही यही है कि वो इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो। मतलब ये है कि बीइंग अ टीचर, अगर मेरे पास कोई एक किट है तो मैं डायरेक्टली अपने घर से या स्कूल के स्टाफ रूम से, अगर मैं किसी क्लासरूम की तरफ जा रहा हूँ तो मैं आसानी से इजीली उस किट को उठाऊँ और लेके क्लासरूम के अंदर चला जाऊँ। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो अगर मेरे पास एक साइंस की किट है तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि मैं ईज़िली उस साइंस किट को अपने घर से उठाऊं, स्कूल लेके चला जाऊं, और स्कूल से उठाऊं सीधा अपने घर लेके चलाऊं। क्लियर है बच्चे? तो ध्यान रखेंगे, बॉक्स तो होनी चाहिए बट इस तरीके से होनी चाहिए कि वो ईज़िली ट्रांसपोर्टेबल हो। ठीक है, तो सेकंड अगर मैं पॉइंट लिख लूँ किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, बॉक्स शुड ईज़िली ट्रांसपोर्टेबल। ठीक है बच्चे, अगर मैं थर्ड बात करूं, थर्ड और क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे बच्चे, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए उस किट के अंदर में जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। क्लियर है? मतलब जो किट के अंदर जो भी टूल्स होंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो भी सब्सटेंसेस होंगी, आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाए, इस तरीके के सब्सटेंस, इस तरीके के टूल्स को ही हम उस किट में रखें। ठीक है, तो देख लेते हैं। टूल्स और सब्सटेंसेस इन द किट शुड बी अवेलेबल ईजली, शुड बी ईजली अवेलेबल इन नियर बाय मार्केट। ऐसा नहीं है बच्चे कि हम कोई एक किट बना लें और उस किट में हमें कोई एक ऐसी चीज़ हम रख दें जिसको आसानी से हम किसी भी मार्केट में, अपने आसपास के मार्केट में ना खोज पाएँ या जिससे हम अपने आसपास के मार्केट से ना परचेज कर पाएँ। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ही रखने हैं, ऐसे सब्सटेंसेज ही रखने हैं हमें जो इजीली हमारे मार्केट में मिल सकते हैं। क्लियर है? फोर्थ क्या है, क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए बच्चे, किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तो देखेंगे बच्चे। हमें कोशिश करनी चाहिए, जो कि देखो बच्चे, जो स्टूडेंट होते हैं वो इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं होते, वो हर चीज़ों को मजाक में ले जाते हैं, मतलब वो हम हर चीज़ों खेल खेल में सीखते हैं। तो ध्यान रखें, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए उस किट में जो सॉलिड हो, और सॉलिड भी हो और हार्ड भी हो, मतलब ईजिली वो टूटे ना। अगर मान लीजिए वो स्टूडेंट्स खेल खेल में उस किट को उठा के फेंक भी दे तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो और हमारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से अरेंज ही रहें, मतलब वो चीज़ें टूटे ना। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना है कि जो टूल्स है वो सॉलिड होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी ड्यूरेबल होना चाहिए, अगर मैं ठीक वर्ड यूज करूँ इसके लिए तो इट शुड बी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, लिख लेते हैं, द किट शुड लॉन्ग लास्ट। ठीक है बच्चे, तो ध्यान सॉरी ध्यान रखेंगे, साइंस किट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो बॉक्स होना चाहिए सबसे पहले, और वो बॉक्स इस तरीके से होना चाहिए कि वो इजीली मूवेबल हो, इजीली ट्रांसपोर्टेबल हो, जो उसके अंदर टूल्स या सब्सटेंसेस हमें रखना है वो आसानी से बच्चे मार्केट में अवेलेबल हो और लॉन्ग लास्टिंग वाले होने चाहिए। क्लियर है बच्चे? तो चलिए, अगर हम नॉर्मल देखें, अगर इसे हम शॉर्ट में ये बोलें कि साइंस किट बेसिकली एक मोबाइल लेबोरेटरी है, छोटी मोटी लेबोरेटरी है जिसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे, NCERT ने साइंस किट को कुछ बिहाफ पे कैटेगराइज किया हुआ है उन्होंने,
तो देख लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने तरीके के साइंस किट्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, एनसीईआरटी ने दो तरीके के किट्स को बताया है कि हमें दो तरीके के किट्स हम रख सकते हैं। एक तो एच पर एनसीईआरटी बच्चे दो तरीके के किट्स हैं, एक तो टीचर्स के लिए किट्स है और एक है स्टूडेंट्स के लिए किट्स। ठीक है, अब टीचर के लिए किट्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से किट्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ज़रा देखते हैं। टीचर के लिए जो किट्स है बच्चे, उसको एनसीईआरटी ने बोला कि ये डिस्प्ले किट है, डिस्प्ले किट। अच्छा, इसे डिस्प्ले किट क्यों बोला गया है, क्योंकि जो टीचर के पास जो किट है बच्चे, उसके अंदर से टीचर सामान को या कोई भी सब्सटेंस है उसको निकाल के बच्चों को दिखाएगा। इस किट्स के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को डिस्प्ले करने के लिए यूज में लाई जाती हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्ले किट और द टीचर किट्स। क्लियर है बच्चे। अब हम बात करते हैं बच्चे कि इन किट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इन किट्स में हो सकता है बेटे फिजिकल साइंस की चीज़ें हों और केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री साइंस की। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, फिजिकल साइंस की किट हो सकता है, इसमें फिजिक्स और बायो, फिजिक्स प्लस बायोलॉजी दोनों के किट्स आ जाएंगे और इसमें केमिस्ट्री में अकेले ही केमिस्ट्री के किट्स आते हैं। अब मैं अगर स्टूडेंट्स के किट की बात करूं बच्चे, तो स्टूडेंट्स के किट को दो पार्ट में डिवाइड किया है एनसीईआरटी ने। फर्स्ट है बेटा प्राइमरी लेवल किट और दूसरा बेटे मिडल लेवल किट। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, मोस्टली जो किट की ज़रूरत होती है वो प्राइमरी और मिडिल लेवल पे ही पड़ती है, क्योंकि जब बच्चे सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी में चले जाते हैं तो उन्हें किसी भी किट की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली लेबोरेटरी में जाके अपने एक्सपेरिमेंट को या फिर साइंस से रिलेटेड चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चे मैं अगर प्राइमरी लेवल के किट की बात करूं, तो बच्चे प्राइमरी लेवल के जो किट्स होते हैं उसमें मोस्टली ये सभी सिलेबस को कवर करती हैं। क्लियर है। उस किट्स में क्या क्या होना चाहिए ज़रा ध्यान रखेंगे। उस किट्स में नॉर्मल हमारा सॉल्ट होना चाहिए, नमक जिसे बोलते हैं, केरोसिन ऑयल होना चाहिए और केरोसिन ऑयल का लैंप भी हम रख सकते हैं, थर्मामीटर भी रख सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए कि बच्चे ये थर्मामीटर है, इसी से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, कैंडल्स वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मतलब नियर बाई बच्चे 50 चीज़ें, नियर अबाउट प्राइमरी लेवल में नियर अबाउट 50 चीज़ों को हम उस किट में शामिल कर सकते हैं। जैसे थर्मामीटर हो गया आपका, कैंडल हो गया, केरोसिन ऑयल का लैंप हो गया, इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को मिला के जो कि आसानी से कैरिएबल हों, उन चीज़ों को हम इस अपने किट्स में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्सटेंसेस को 10 से लेकर 12 तक
टेन से लेके ट्वेल्व तक बच्चे केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्सटेंसेस को हम रखते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए आ जाएगा आपका कपड़े धोने वाला साबुन, शुगर, या फिर अलग से नेफ्थालीन की बॉल्स आ जाएंगी, ठीक है, जो नॉर्मल केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं केमिकल्स, इसके हम रख सकते हैं। और बच्चे कुछ जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कोई केमिकल्स है वो लिक्विड में है, जैसे मान लीजिए ऑयल है, ठीक है, वाटर है, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, या हनी हो गया, इन सबको रखने के लिए दो या तीन बॉटल्स रख लें उस किट में प्राइमरी लेवल पर, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं बच्चे मिडिल, जो मिडिल लेवल पे जो किट्स होती हैं साइंस की किट, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो ध्यान रखेंगे मिडिल लेवल पे जो जितने भी किट्स होती हैं उसमें सिक्स्थ टू एट्थ तक के बच्चों के लिए होती हैं, और जो सिक्स्थ टू एट्थ तक के सिलेबस में जो जो चीज़ें इसेंशियल हैं उन सभी चीज़ों को हम अपने किट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं ज़रा ध्यान रखेंगे बच्चे, हो सकता है बच्चे इसमें कुछ लकड़ी से बनी चीज़ें हो सकती हैं, या हो सकता है बच्चे कुछ जो है सिक्स सेवन्थ एट्थ से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं। क्लियर है, अब हम बात करें बच्चे बेसिकली इन साइंस की जो किट्स हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, साइंस के किट्स की क्या क्या एडवांटेज हैं उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता चल गया कि साइंस किट्स बेसिकली होता क्या है, और ये भी पता चल गया कि कितने तरीके के किट्स होते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो तरीके के किट्स हैं, पहला टीचर्स किट और दूसरा स्टूडेंट्स किट। टीचर्स किट को डिस्प्ले किट भी बोला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि टीचर्स के किट्स के अंदर जो भी सामान होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो बच्चों को दिखाने के लिए होती हैं, डिस्प्ले करने के लिए होती हैं, इसीलिए इसको हम डिस्प्ले किट कहते हैं। और अगर मैं स्टूडेंट किट की बात करूं तो स्टूडेंट किट भी दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी लेवल के किट्स और सेकेंडली आपके मिडिल लेवल के किट्स, ठीक है। अब हम बात करें बच्चे एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ किट्स और द साइंस किट्स। सबसे पहली चीज़ बेटे क्या क्या एडवांटेज है, साइंस किट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो लो कॉस्ट की होंगी। सबसे पहले तो ये चीप होती हैं, क्या होती हैं बच्चे, चीप। सेकंड, ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल होती हैं, कहीं से आसानी से इसे ले जाया जा सकता है कहीं भी, तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल होती हैं ये बच्चे। अगर मैं थर्ड एडवांटेज की बात करूं तो थर्ड एडवांटेज में इस जो किट्स होती हैं बच्चे इनसे टाइम की बचत हो जाती है। मान लीजिए किसी भी चीज़ को टीचर को समझाना होता है और उस टॉपिक को समझाने के लिए उसे किसी भी सामान की ज़रूरत पड़े तो वो बार बार लेबोरेटरी में जाके उस सामान को न ले आने की बजाय वो क्या करेगा, एक किट बना लेगा और सारे सामान को जो उससे एसोसिएटेड सामान है, जो उससे एसोसिएटेड टूल्स हैं उसको वो रख लेगा, और रखने के बाद किट से निकालेगा, डिस्प्ले करता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे टाइम सेविंग है, टाइम सेवर है ये। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ बच्चे, एक ही किट्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही किट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी की चीज़ों को बेटा, ये सेकेंड ईयर है साइंस की क्लास,
ठीक है बच्चे, देखते हैं। मल्टीपर्पज़ है ये साइंस की किट जो है, क्या है? मल्टीपर्पज़ मतलब एक ही किट के अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट एडवांटेज की बात करूं, तो नेक्स्ट एडवांटेज जो बच्चे आपका है, ये बच्चों को ज़्यादा हेल्प करती है, यानी ये हेल्पफुल है, हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स, हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट एडवांटेज की बात करूं बच्चे, तो होता क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो जाएगा, साइंस किट की मदद से बच्चे जो है प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं, यानी ईजिली टू हैंडल प्रैक्टिकल्स। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंस के किट के एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता क्या है, उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, फर्स्ट एड होता क्या है बेटा, हिंदी में इसे फर्स्ट को बोलते हैं प्राथमिक और एड को बोलते हैं उपचार, मींस प्राथमिक उपचार। मतलब मान लीजिए स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चों को किसी भी तरीके से चोट आ जाए, ठीक, हो सकता है बच्चा गिर जाए, या हो सकता है लैब में कुछ अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है कुछ चीज़ें उसके ऊपर गिर जाए, या हो सकता है वो जल जाए, तो उस कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल नहीं होता। और जब किसी भी विक्टिम को, किसी भी सर्वाइवर को हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल नहीं होता, या फिर हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसे किसी भी तरीके की हेल्प, मेडिकल हेल्प दिया जाना चाहिए, उसके लिए हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में या डिफरेंट काइंड्स के ऑफिसेस में एक बॉक्स रखा होता है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर जो ज़रूरी सामान है, ज़रूरी मेडिकल अपैरेटस हैं, जो ज़रूरी मेडिकल सब्सटेंसेस हैं, वो उस बॉक्स के अंदर रहता है। और बिफोर सेंडिंग विक्टिम्स टू द हॉस्पिटल, हम क्या करें, उसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से ट्रीटमेंट दे दें, ठीक है, जनरल ट्रीटमेंट। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि हम लगातार जो है सर्जरी करते हुए चले जाएंगे, हाँ चलिए ठीक है किसी बच्चे को चोट आई है या कोई बच्चा जल गया तो डायरेक्टली हम सर्जरी ही कर दें, नहीं। हमें सबसे पहले जो हेल्प करनी है, मेडिकल हेल्प, बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल। तो एक वो किट होती है, उस किट में जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, उन्हीं का यूज करके हम किसी भी विक्टिम्स को या किसी भी सर्वाइवल को हम हेल्प कर देते हैं, मेडिकल हेल्प, ठीक है। इसी किट को बोला जाता है फर्स्ट एड किट, क्लियर है। अब बात करना बच्चे कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले उसमें सीजर्स होना चाहिए, सेकंड बच्चे उसमें ड्रेसिंग के लिए पट्टियां होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए, जो नॉर्मली चीज़ें हैं, डिटॉल होना चाहिए, डिटॉल या फिर सेवेलॉन जो कि डिसइंफेक्टिंग का काम करता है, ठीक है बच्चे। फॉर्सेक, एक चिमटी होनी चाहिए, फॉर्सेक। और जो जनरल चीज़ें हैं,
ग्लिसरीन होना चाहिए आपका, एक ड्रॉपर होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए जो नॉर्मली यूज किया जाता है मेडिकल में, थर्मामीटर, ग्लिसरीन, ड्रॉपर होना चाहिए बच्चे दवाई पिलाने के लिए, ठीक है। सॉल्ट होना चाहिए, जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा, मान लीजिए किसी की बीपी लो या हाई हो गई तो उस समय टेबल सॉल्ट काम में आएगा, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ध्यान रखेंगे बच्चे, ये है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का एंटा एसिड है। एंटा एसिड मीन्स जब माँ किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर एसिडिटी हो जाती है उसके स्टमक में, यानी एसिड का अमाउंट सडनली बढ़ जाए, तब हम एंटा एसिड का यूज करते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मली इनो है, इनो भी एक तरीके का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसका साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे हम रख सकते हैं आसानी से। हम एस्प्रिन भी रख सकते हैं, जो नॉर्मल कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसे हम पेन किलर दवाइयाँ बोलते हैं, यानी पेन किलर, पेन किलर को ही हम साइंटिफिक नेम में बच्चे एस्प्रिन बोलते हैं, ठीक है। एस्प्रिन वाले टैबलेट्स होने चाहिए या फिर कुछ क्रोसिन की टैबलेट, इन सब चीज़ों को हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें मेडिकल से रिलेटेड इसेंशियल चीज़ें होती हैं, जो कि जब किसी भी बच्चे को चोट आ जाए या फिर किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो एड दिया जाता है, जो सहायता दी जाती है, उसी चीज़ को हम बोलेंगे फर्स्ट एड। और ये फर्स्ट एड का एक बॉक्स होता है, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। अब हम बात करें बच्चे कि स्कूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, बेसिकली कौन कौन से ट्रेजिडीज या कौन कौन से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और उनको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, हो सकता है स्कूल के अंदर कोई भी स्टूडेंट बर्न हो जाए, यानी वो जल जाए, ठीक है बच्चे। एक्सीडेंट्स इन स्कूल्स, हमारा जो टॉपिक है बच्चे एक्सीडेंट्स इन स्कूल। सबसे पहला बच्चे, बच्चा जल सकता है, तो सबसे पहले जलने के बाद बच्चे को क्या करना पड़ेगा, जो जला हुआ पार्ट है उसको आइस, विद द हेल्प ऑफ आइस, यानी जो या फिर ठंडा पानी हो, कोल्ड वाटर, उससे उस चीज़ को जो है सिकाई करना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। सेकंड, हो सकता है बच्चे फायर लग जाए, आग लग जाए, तो आग लगने के बाद भी हो सकता है बहुत ज़्यादा हैवी आग हो जाए, हैवी ज़्यादा फ्लेम हो जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए, हमारे स्कूल्स में या हमारे कॉलेजेस में एक फायर एक्सटिंग्यूशर रखा हुआ होता है, उस फायर एक्सटिंग्यूशर की मदद से उस आग को बुझाया जाना चाहिए, एक्सटिंग्यूश करना चाहिए, क्लियर है। थर्ड, अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूं बच्चे, तो हो सकता है कि गैस पॉइजनिंग हो जाए, मतलब मान लीजिए किसी भी लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसमें गैस लीक हो जाए, तो उस समय क्या करेंगे, जब हम गैस, यानी जो गैस पॉइजनिंग की कंडीशन में अब हम आ जाते हैं, तो तुरंत जो हमारा सर्वाइवल है, जो हमारा विक्टिम है, उसे तुरंत लेबोरेटरी से बाहर लेके आ जाना चाहिए बच्चे, ठीक है। और तुरंत कुछ गर्म चीज़ें पीने के लिए देना चाहिए, जस्ट लाइक मान लो टी हो गया या फिर कॉफ़ी हो गया, ठीक है। अच्छा, और हम मान लेते हैं कि अगर वो गैस क्लोरीन है, मान लीजिए क्लोरीन गैस की पॉइजनिंग हुई है उस पेशेंट में या उस स्टूडेंट में, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, अमोनिया, एक अमोनिया है बच्चे, एक केमिकल, उस चीज़ को तुरंत इनहेल करवाना चाहिए, ठीक है।
अमोनिया इनहेल कराने से क्या होगा कि अमोनिया उस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, और अमोनियम क्लोराइड एक तरीके का सॉल्ट होता है वो जो ईजिली हमारी बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फोर्थ, कौन सा एक्सीडेंट हो सकता है बच्चे, कौन कौन सी दुर्घटना हो सकती है, तो ध्यान रखने हो सकता है अगर कोई भी स्टूडेंट लेबोरेटरी में वर्क कर रहा है तो उसके कपड़ों के ऊपर एसिड या बेस कुछ गिर जाए और उस एसिड और बेस के गिरने के बाद उसके कपड़े जल जाएं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे बच्चे, फोर्थ एक्सीडेंट हो जाएगा बर्निंग ऑफ क्लोथ्स बाय फॉलिंग एसिड और बेसिस। ठीक है, हो सकता है कोई भी एसिड बेस, बहुत तरीके के डेंजरस एसिड और बेसिस होते हैं हमारे लेबोरेटरी में, जस्ट लाइक HCl हो गया, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया, तो वो कभी कभी अगर हमारे क्लोथ्स पे आके गिर जाता है तो हमारे क्लोथ्स जो है जलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर वो हमारे क्लोथ्स को जलाना शुरू कर दे तो सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उस कपड़े पे डाल देना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, वो जो जल रहा है हमारा कपड़ा वो नहीं जलेगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमें उन क्लोथ्स को अच्छी तरीके से वाटर से क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर कोई एसिड गिरा है तो हमें तुरंत किसी बेस को उस कपड़े के ऊपर डाल देना है, और अगर कोई बेस गिरा हुआ है तो तुरंत हमें एसिड को डाल देना है, किसी भी एसिड को। क्लियर है, होगा क्या, हमें पता है एक हमारी जो है बेसिक रिएक्शन होती है, अगर कोई भी एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट कर ले तो वो तुरंत न्यूट्रल हो जाता है, यानी सॉल्ट बना लेता है और वाटर बना लेता है। तो ध्यान रखेंगे जब किसी भी क्लोथ्स के ऊपर हमारा एसिड गिर जाए तो तुरंत हमें बेस का यूज कर लेना चाहिए, और जब कोई भी बेस गिर जाए तो तुरंत हमें एसिड्स का यूज कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब अगर हम बात करें, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, अगला जो है एक्सीडेंट हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या करना है, हमें तुरंत अपने स्कूल के या फिर अपने क्लास का MCV जो आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है उस चीज़ को तुरंत ऑफ़ कर देना है। ठीक है, आफ्टर दैट हो सकता है बच्चे फॉस्फोरस का जलना शुरू हो जाए, हमारे लेबोरेटरी में एक फॉस्फोरस नाम का केमिकल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, मीन्स तुरंत वो जलना शुरू कर देता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो फॉस्फोरस है वो हमारे मैचस्टिक पे भी लगा हुआ होता है, रेड कलर का फॉस्फोरस होता है वो लगा होता है, तो मैच स्टिक क्या होता है, तुरंत एक बार रब करने के बाद ही तुरंत वो जलना शुरू हो जाता है, फ्लेमेबल है। सेम ऐसे ही उसमें तो कम क्वांटिटी में लगा हुआ होता है फॉस्फोरस, लेकिन जब ओरिजिनल फॉस्फोरस हमारे लेबोरेटरी में अगर रखा गया, अगर वो जलना शुरू हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो फॉस्फोरस जिस जगह जल रहा है उस जगह पर बच्चे सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, उसके सॉल्यूशन को हमें डाल देना चाहिए जो कि उसके फ्लेम को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ चीज़ें थी आपका बच्चे, ये ख़त्म हो गया 3.2 जो चैप्टर है। अब हम नेक्स्ट की जो कल वाली क्लास होगी उसमें हम क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन साइंस ये हम करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप तुरंत कमेंट करके पूछना, या फिर ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लिंक में कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी अब हम कल मिलते हैं वही 11 o'clock पे, अब फटाफट आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 दिन में ये पूरा का पूरा Unit 3 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे Unit 4 जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।